हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से। आप सभी लोगों के लिए यह इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आज हम जो है कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे बीए बीएससी बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का, आप सभी लोगों को हम लाइव जो है कि फॉर्म भर के दिखाएँगे, जिससे आपको किसी भी तरह के फॉर्म भरने में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम चलते हैं, गूगल ब्राउज़र में आपको ओपन कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है msdsu.ac.in। आपको गूगल बार में केवल इतना लिखना है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट जो है कि ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पे जो है कि मोबाइल अपना पोर्ट्रेट से इस तरह कर लेंगे तो इसमें आपको तभी दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म का एक ऑप्शन ऊपर आपके जो है कि यहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो आपको इस पर जो है कि क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर आना है। यहाँ आपको 3 डॉट दिखाई देगा, आपको इस पे जो है कि क्लिक करना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आप देखेंगे होम पेज लिखा होगा, फिल इन न्यू फॉर्म यहाँ पे, और फाइंड व्यू प्रिंट फॉर्म और कॉलेज पोर्टल। तो आपको क्या करना होगा, फिल न्यू फॉर्म पर जो है कि क्लिक करना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा, आप यहां पे देखेंगे यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म। अभी जो है कि साइट नई बनी, आपका सेकेंड सेमेस्टर नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहीं से आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। आप जो है कि इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पे आपसे पूछेगा कि एग्ज़ाम टाइप आपका क्या है पहले, उसके बाद आपका कोर्स क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि अपने एग्ज़ाम टाइप में जो है कि आपको यूजी एनईपी सेमेस्टर रेगुलर इवेंट पे जो है कि आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर है तो आपको इसी प्रकार से करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कोर्स पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स पे जब आप सिलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से आप सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट सेमेस्टर सेकेंड, बैचलर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर, बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस सेकेंड सेमेस्टर का है, तो हम इस पे जो है कि क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च बार में या तो अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दे रहा है, एक रोल नंबर दे रहा है, एक इनरोलमेंट नंबर दे रहा है। तो हमारे पास रोल नंबर है तो रोल नंबर वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएँगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे, जैसे कि हमारा रोल नंबर है, 2224505008 5048 हमारा रोल नंबर है। यहाँ पे रोल नंबर जो है कि पूरी तरह से आप सही सही मिला लेंगे, अपना रोल नंबर डायल करेंगे। उसके बाद यहाँ हम नीचे आएंगे, तो इसके बाद हमको क्या है, यहाँ पे जो है नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे फादर्स, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे फादर और मदर्स नेम लिखने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फादर और मदर्स नेम लिखने का ऑप्शन आएगा, आपको अपने माता और पिता का नाम लिखना होगा। और यहाँ पे एडमिशन फॉर दिस कोर्सेस, किस साल के आप लिए एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हमारे माता का नाम है मोहिनी देवी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहिनी देवी और पिता का नाम, पहले हमको जो है कि पिता का नाम यहाँ फिलअप करना होगा। पिता का नाम मोहन यादव, जैसे मान लीजिए मोहन यादव है, और माता का नाम मोहिनी देवी है, तो मोहिनी देवी हम इस टाइप से इसमें जो है टाइप कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने देख लीजिए अपना माता और पिता का नाम दर्ज कर दिए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्सेज पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई देगा।
यहाँ पे पहला जो है कि सिलेक्ट एंड ऑप्शन 2021, ऑप्शन 2022, तो सिलेक्ट एंड ऑप्शन 2021 वाले पर हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद नीचे कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ से हमको क्या करना होगा, कैप्चर कोड जो दिया हुआ है किस कैप्चर कोड को दर्ज करना होगा यहाँ पे। तो कैप्चर कोड जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं DXV9AT जो है कि दर्ज किया गया, यहाँ पे हम इसको फिलअप करेंगे। यहाँ से उसके बाद जो है कि सर्च वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो हम कर लेते हैं जो है कि यहाँ पे जो हमारा DXV9A हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा, जो आएगा आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेमेस्टर आपका जो कोर्स होगा यहाँ पे आपका वो दिखाई देगा, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना, इस तरह से आपका आएगा। आपको यहाँ पे टिक लगाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद आपको क्या करना, प्रोसीडर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो है कि क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। क्योंकि किसी का डिटेल्स जो है कि हम इस तरीके से साझा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने उसका जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। तो यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे जो है कि आपका जो नाम होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपका जो भी कुछ होगा, यहाँ पे आपकी जो सब कैटेगरी होगी आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप यादव हैं तो अहिर कर लेंगे, प्रजापति हैं तो कुम्हार कर लेंगे, जो भी आपका रिलीजन होगा। यहाँ पे हिंदू अगर आप हैं तो हिंदू, और मुस्लिम अगर आप हैं तो मुस्लिम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो स्टेट होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन पर आप सिलेक्ट कर लें, वैसे आप इंडियन ही हो गए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपके कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे आपका जो है देखेंगे डोमिसाइल स्टेट क्या है, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको सेकंड फिन एड्रेस सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड होगा, आपका जो भी पिन कोड होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आएगा उत्तर प्रदेश, आप उसमें सर्च बार में आएगा तो आप सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश मिलेगा, आपको सिलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट जो आपका होगा जैसे आजमगढ़ है तो अगर आपको आजमगढ़ सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको अपना पिन कोड जो होगा आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को जो है कि दर्ज करना होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है आपके सामने इस प्रकार से, कुछ टाइम लगेगा उसके बाद ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका ओपन होगा जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, अगर आप जो सब्जेक्ट किस तरह के लिए हुए हैं आपको यहाँ से अपने सब्जेक्ट, जैसे आप बीएससी किए हुए हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट को जो है कि सिलेक्ट करना। हम लास्ट में बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है कि क्लिक करके जो है कि आपको भरना है, अगर आप बीएससी किए हुए हैं, बीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वैसे ही आपको हम बीएससी का फॉर्म ही फिलअप करना सिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना होगा आपका, जैसे फर्स्ट पेपर अगर आप बीएससी के हैं तो आपको यहाँ पे केमिस्ट्री आएगा, आपको इस प्रकार से फर्स्ट पेपर को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका सेकेंड में जो है कि पेपर आएगा बायोकेमिकल एनालिसिस में केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका एक पेपर मैथमेटिक्स का होगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपके दो पेपर्स फिजिक्स को होंगे, आपको इसको सर्च बार में सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है, फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस और थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी आपका पेपर होगा, आप ऑलरेडी अपीयर इन फर्स्ट सेमेस्टर में आप कर चुके होंगे तो आप किस टाइप से आएगा। आपका स्किल एंड डेवलपमेंट में जो होगा योगा का पेपर होगा, आपको यहाँ पे को करिकुलर में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट एड एंड हेल्थ पे आपको क्लिक करना होगा। सर्च बार में आप जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, आपको इसके क्लिक कर लेना होगा। आपका फॉर्म जो है कि इसके बाद आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपके सामने। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाएगा, यस आई एग्री टू एबव, मैं सहमत हूँ, आपको इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर दिया होगा आप उसको भरेंगे, तो आप सेव फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हम आपको सेव फॉर्म क्लिक करके दिखा दे रहे हैं, कुछ आपके सामने इस प्रकार से आएगा करना होगा। यहाँ पे आएंगे फाइंड व्यू प्रिंट वाले ऑप्शन पे जो है कि आप यहाँ पे उसके बाद फिल न्यू फॉर्म पर फिर आपको क्लिक करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर नहीं आपको नीचे क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको पुनः आएंगे, यहाँ पे जो है कि फाइंड यू प्रिंट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फॉर्म पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपकी जो है कि फीस कम ज़्यादा गलत दिखाने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फीस कंफर्म करके ही पेमेंट करें। आपको जो है कि फॉर्म नंबर यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद कैप्चर डालेंगे आप कैप्चर डाल के उसके बाद यहाँ पे आप सर्च पे जब क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। आप जो है कि अपना फार्म का पेमेंट यहीं से ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी फार्म का पेमेंट होगा, अगर आपको जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको पेमेंट नहीं करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, आपको यहाँ से पेमेंट्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ फीस कम ज़्यादा गलत दिखाने पर पेमेंट ना करें, अपनी फीस कंफर्म करके ही पेमेंट्स करें। आपको जो है कि अपनी फीस कंफर्म करने के बाद ही फार्म का जो है कि आपको फीस पे करना है। हमने जो है कि फार्म का पेमेंट कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे फाइंड यू प्रिंट पर, यहाँ से क्या करेंगे रिप्रिंट फार्म, रिप्रिंट वाले फार्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना फार्म नंबर दर्ज करेंगे, फार्म नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फार्म कुछ हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होगा। आप जो है कि फीस पेमेंट किए रहेंगे तभी जो है कि आप फार्म को पुनः जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फार्म ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे आना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस फार्म को पूरे साथ में ले लेना और एक प्रति अपने पास भी रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है और इसको आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको घोषणा पत्र से अगर संतुष्टि होगी तभी जो है कि आप कॉलेज में फार्म जमा करने आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना होगा, प्रवेश का वर्ष लिखना होगा, आपकी जो डेट होगी, जैसे आज हमने फार्म फिलअप किया था तो हमारा आज का डेट है, यहाँ पर जो है कि अभ्यर्थी की हस्ताक्षर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो आपको रसीद दी जाएगी कॉलेज के द्वारा आप इसको प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर आपका दिनांक लिखा हुआ होगा और हस्ताक्षर आवेदन पत्र जाँचकर्ता और प्रचार विभाग अध्यक्ष हस्ताक्षर और मोहर सहित यहाँ पर लगा होगा। आपको उसको जो है कि लगवा करके उसको जमा कर लेना। अगर आपके फार्म में जैसे अभी समझ लीजिए कि नई यूनिवर्सिटी है, किसी भी तरह की त्रुटि भी हो सकती है तो आपके पास वही जो है कि एक प्रूफ होगा जिससे आप अपना जो है कि फार्म संबंधित किसी भी तरह का जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स हम समझते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले दिया जाएगा। तो आपसे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। अगर हाँ, किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है फॉर्म फिलअप करते समय, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।